आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और अगले साल होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। अब इसकी मेजबानी तो मिली है पाकिस्तान को, लेकिन लगातार वहाँ जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह का खतरा वहाँ आतंकवाद से होता है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है। लेकिन अब खबर आई है कि पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने वाला है और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला हाई वोल्टेज मुकाबला लाहौर में हो सकता है। क्रिकबस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल 19 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एक ड्राफ्ट शेड्यूल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी को सौंपा भी जा चुका है। इसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मैच लीग स्टेज का आखिरी मैच होगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये मैच लाहौर में खेला जाएगा। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी को कुल 3 वेन्यूज का प्रपोजल दिया है। अब ये 3 वेन्यू हैं लाहौर, रावलपिंडी और कराची। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जरूर मिली, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी। मेजबानी जरूर पाकिस्तान की होगी, लेकिन फिर से इसे किसी और देश में आयोजित किया जाएगा, जैसा कि पहले भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के साथ होता रहा है। भारत टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेगा या नहीं करेगा, ये अभी तक साफ है नहीं। भारत के पाकिस्तान नहीं जाने पर टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में कराया जा सकता है, जैसा कि पिछले साल एशिया कप में भी किया गया था। इसमें भारत के मैच श्रीलंका में खेले गए थे। पिछले साल भी एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, तब भी भारत के वहां नहीं जाने पर यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था। भारत के मुकाबले श्रीलंका में कराए गए। कोलंबो में हुए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर वो ट्रॉफी जीती थी। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड में करवाई गई थी। इसके बाद से अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन नहीं करवाया गया है। तब फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को पाकिस्तान से ही हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अभी भी नहीं आया है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी और इसमें 2 हफ्ते तक चलने की कम से कम उम्मीद है।